नशे के खिलाफ और महिला सुरक्षा जन जागरण महाअभियान को पूरे क्षेत्र में चला रही है रसना द्विवेदी। जन जागरण महाअभियान के तहत रसना द्विवेदी द्वारा सीएम राइज शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभौरा में नशा मुक्ति अभियान और छात्राओं को नारियों को उत्पीड़न मुक्त कर स्वतंत्रता दिलाएंगे। एकता में ताकत होती है और एकता के साथ किया गया प्रयास ही सार्थक होता है। इसी एकता के बल पर डभौरा की सीएम राइज शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्कूल से बाजार में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे गांव में भ्रमण कर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही हैं। जन जागरण महाअभियान गांव को नशा मुक्त करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। डभौरा की छात्राओं को अभी उपलब्ध संसाधन व सामर्थ्य के अनुसार आसपास के ग्रामों में सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रही है। इसमें नशा मुक्ति उनका मूल मकसद है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़ाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान की जा रही है। इस अभियान में छात्र छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में दिनों दिन जुड़कर गाँव को नशा मुक्त बनाने संकल्पित नजर आ रही है। वही संयोजिका सुश्री रसना द्विवेदी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, केवल नेता लोग महिला सुरक्षित हैं की बात करते हैं। वही नशा भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। नशे में युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रसित है। सरकारें कोई भी हो अपने फायदे के लिए नशे की दुकानें घर घर खुलवा रही है। नशा से नाम खराब होता है, अपने नाम के साथ पूरे घर समाज का नाम बदनाम होता है। वही उन्होंने युवा भाइयों से निवेदन किया है कि नशा मुक्त रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर भी प्रकाश डाला। वहीं बेटी बचाने व नशा मुक्त पर संकल्प दिलाया। वहीं नशा मुक्ति एवं महिला सुरक्षा की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। बच्चों को संस्कारित करो और हर स्कूलों में अपने कार्यक्रम को तेजी से चलाओ। ये कार्य केवल और केवल सिर्फ गुरुजनों के अनुग्रह पर कार्य करेगा। यदि गुरुजन चाहेंगे तो बच्चे से प्रार्थना के समय पूछे कि कौन कौन अपने जीवन में अभ्यास किया है, तो बच्चे सतर्क हो जाएंगे और अभ्यास करना शुरू कर देंगे। यदि बच्चे संस्कारित हो गए तो उनके अपने बच्चों से मैं इतना आप सब जानते होंगे कि हमारे किसी भी देश के लिए अगर किसी विदेश का उज्जवल भविष्य सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी पर टिकी होती है, उन्हें पर निर्भर होती है। अगर हमारे बच्चे संस्कारित हो गए तो निश्चित तौर से हमारा देश तरक्की करेगा। कोई भी देश कोई भी नेता उसके नहीं संभाल सकते अगर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो आज हमारे देश में एडवांस बनने की दौड़ लगी है। बताएं आप सब एडवांस लोग बन रहे हैं, अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे रहे हैं, दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। ऐसी है हमारी समाज, बताएं आप सब, बोले सही है ऐसा? ऐसी संस्कृति कहीं से आई नहीं है, ये हम खुद लाए हैं। किसी ने ऐसी संस्कृति को नहीं कहा कि हम दूसरे की संस्कृति को लेके आए, ऐसा नहीं है। अपनी संस्कृति की तिलांजलि दे और दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम कहां के रह गए बताएं? अपना तो छोड़ दिया और उनका भी नहीं पाया। यहाँ तक सबको लग जाए, मैं चार लाइन की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। यदि आप सबको लग जाए कि ऐसा चरित्र ही हम सबको जीना चाहिए तो आप सबसे आशीष चाहती हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये रसना मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत आभार।